लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। उन्होंने भाजपा का विरोध करने वालों को राक्षस बताने के साथ कहा कि मोदी जी का विरोध करना मतलब श्री राम का विरोध करना है। हम 400 पार होकर रहेंगे चाहे कोई भी आ जाए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शूर्पणखा दुशासन अहिरावण कंस तक छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी को रामा दल बताते हुए कहा कि रामा दल का काम काफी बड़ा है और ये विजयी रथ है जो रुकने वाला नहीं है। ये जो तरह तरह के जो देश भर के ये जो हमारे विरोधी ताकते हैं और उनके तरह तरह के एक से एक कोई शूर्पणखा बन के कोई दुशासन बन के कोई और कुछ बन करके यहाँ अहिरावण से लेकर के कंस बन तक के रोल में इस दरमियान जो आ रहे हैं ये रामा दल है। इस रामा दल का जो काम है ये काफ़ी आगे बढ़ गया है और ये जो विजयी रथ है ये विजयी रथ रुकने वाला नहीं है कि कोई भी ताकत आ जाए उस ताकत को कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग क्या बात करेगा? मोदी जी का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी की विरोध करके उनका अस्तित्व जो है डूबना ही है। मोदी जी का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी की विरोध करना मतलब जय श्री राम के विरोध करना। जो जय श्री राम का प्रभु राम का जो विरोध करने वाले हैं ऐसे लोग की क्या स्थिति हो रही है आप देख लीजिए। ये 400 पार हो करके रहेगा ये कोई भी ताड़ुका आ जाए कौन कौन आ रहा है मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन जितने भी ये सब राक्षस लोग आ करके इधर उधर उधम मचाने का कोशिश कर रहे हैं वो सब अपने आप में कट मरेंगे। अपने आप में वो सब देखना वो सब जो है समाप्त हो जाएंगे और अंततः जो है अंततः मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शरण में उन सबको आना पड़ेगा। देख रहे हैं पूरा देश भर में जहाँ जहाँ आज प्रचार प्रसार चल रहा है कोई कांग्रेस छोड़ करके बड़े बड़े नेता एक से एक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि कांग्रेस की अब जो डूब रही है नैया उस नैया में डूबने वाले कौन है? जिनको डूबना है वही न रहेगा और इसलिए जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं धीरे धीरे करके उनका भी मन जो है दिल उधर से मन टूट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की ओर उनको आना ही पड़ेगा जो परिस्थिति दिख रहा है। और इसलिए मैं सभी से यही आग्रह करना चाहता हूँ।